हेलो फ्रेंड्स, मैं सेओ आइडियल टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक्सेल के रिव्यू टैब को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने होम इंसर्ट पेज लेआउट डेटा और रिव्यूज के बारे में फार्मूलाज टैब के बारे में पढ़ लिया है। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले यदि आप एमएस ऑफिस अकाउंटिंग विद टैली डिजाइनिंग और प्रोग्रामिंग और वेब डेवलपिंग में मास्टर होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिव्यू टैब। इसके लिए हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। एक्सेल हमने ओपन कर लिया, ये हमारा एक्सेल ओपन हो गया और इसमें रिव्यू टैब में है पहला स्पेलिंग रिसर्च, प्रूफिंग ग्रुप है, सेकेंड है कमेंट ग्रुप है और तीसरा ग्रुप है चेंजेज। तो प्रूफिंग में पहला ऑप्शन है स्पेलिंग। हम एक्सेल शीट में जितने भी वर्ड लिखे हैं आप उसके स्पेलिंग एरर को चेक कर सकते हैं। जैसे मैं एक गलत स्पेलिंग लिखता हूँ, सपोज करिए कंप्यूटर की स्पेलिंग होती टी ई आर, तो हम इसको टी ए आर करते हैं। अब इसको हम चेक करना चाहते हैं कि ये कंप्यूटर सही है या नहीं है, तो इस स्पेलिंग पे जाएंगे और आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए कंप्यूटर में हमें सजेशन कर रहा है कि कंप्यूटर के स्थान पे ए वाला कंप्यूटर होना चाहिए। यदि आपको सही लगता है तो आप इग्नोर कर दीजिए। यदि आपने एक से ज़्यादा जगहों पे लिखा हुआ है तो इग्नोर ऑल कर दीजिए। यदि आप इस कंप्यूटर शब्द को ऐड टू डिक्शनरी में ऐड करना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं। चेंज है, यदि आप इस कंप्यूटर को कंप्यूटर से चेंज करना चाहते हैं तो आप इस चेंज कर दीजिए। चेंज आल करेंगे तो जहाँ जहाँ भी कंप्यूटर गलत लिखा होगा उसको टी आर यानी सही कंप्यूटर लिख देगा। ऑटो करेक्ट करेंगे तो ऑटो करेक्ट हो जाएगा, यानी जहाँ पे भी अगर आप कंप्यूटर ये लिखेंगे तो इस कंप्यूटर से वो चेंज हो जाएगा। तो आप इसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर चेंज ऑप्शन यूज करते हैं, चेंज आल नहीं करते क्योंकि मैंने कंप्यूटर एक ही जगह लिखा हुआ है गलत। तो हम यहाँ पर चेंज करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कंप्यूटर क्या हुआ, चेंज हो गया। नेक्स्ट है रिसर्च। यहाँ रिसर्च में क्लिक करेंगे और यहाँ से सपोज के लिए फ्रांसिस कर लेते हैं तो आप यहाँ से कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें रिसर्च कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। यदि आपका इंटरनेट कनेक्शन है तो इस ऑप्शन का यूज आप नहीं कर पाएंगे। ओके, तो हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो इसलिए हम आप नहीं यूज कर पाएंगे। थेजरस, आप इस कंप्यूटर वर्ड से रिलेटेड चीज़ जितने भी रिलेटेड वर्ड हैं आप यहां से देख सकते हैं। देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोसेसर हुआ, सीपीयू हुआ, वर्क स्टेशन, पीसी, लैपटॉप, नोटबुक, ये सब सारे चीज़ें आपको दिखा रहा है। तो ये हम थेजरस में उससे रिलेटेड वर्ड से हम देख सकते हैं। ट्रांसलेट, आप सेलेक्टेड टेक्स्ट को किसी दूसरे लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। जैसे इंग्लिश से हमें फ्रांस में करना है, स्पेनिश में करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए भी इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा ग्रुप था प्रूफिंग। तो इसमें देखिए स्पेलिंग, रिसर्च, थेजरस, ट्रांसलेट, इसमें दो ऑप्शन रिसर्च और ट्रांसलेट के लिए इंटरनेट का कनेक्शन होना जरूरी है। नेक्स्ट ऑप्शन है कमेंट्स। कमेंट्स का यूज़ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक्सेल के किसी सेल में आप कोई अपनी बात रखना चाहते हैं जो कि हमेशा न दिखे, आप वहाँ पे कमेंट दे सकते हैं। इसके लिए हम कोई फाइल खोल लेते हैं पहले से। देखिए ये हमारा एक फाइल है बनी हुई है। अब ये हमारी एक सैलरी शीट है, इसमें सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, ज्वाइनिंग डेट, बेसिक, डी एच, आर एस, सी सी ए, पी एफ, आई टेक्स और नेट सैलरी, इतने सारे काम कॉलम है। सपोज के लिए पहला है बिल हेड्स। अब यहाँ पे हमें लिखना है कि बिल हेड्स ने जो काम किया हुआ है वो उसमें दो दिन का अब्सेंस है। तो न्यू कमेंट में जाइए, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सपोज करिए टू डेज अब्सेंस, यहाँ पे आप अब्सेंस लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी कुछ करना चाहते हैं, जैसे इन्होंने 5 घंटे ओटी किया है यानी ओवर टाइम किया है, ये सब कर सकते हैं। ये यहाँ से ये एम्प्लॉय ने सपोज करिए 6 घंटे अब्सेंस हैं, तो यहाँ पे मैंने उनको अब्सेंट कर दिया। तो इस तरीके से कमेंट में आप देख सकते हैं। जो नया ऑप्शन है डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं, देखिए यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हैं, प्रीवियस है तो प्रीवियस कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस कर सकते हैं। शो ऑल हाइड कमेंट्स है तो देखिए सब शो कर दिया, सारा करेंगे तो सब शो करेगा, शो ऑल कमेंट्स करेंगे तो सब कुछ शो करेगा, हाइड करना है तो एक बार क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। तो ये हमारा रहा कमेंट ग्रुप, जिसमें न्यू, डिलीट, प्रीवियस, डिलीट, सो हाइड और सो ऑल, सो लिंक,
ऑप्शन है। नेक्स्ट है चेंजेज। चेंजेज ऑप्शंस का यूज हम बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप चाहते हैं कि आपकी सीट पे कोई भी व्यक्ति कोई भी चेंजेज ना कर पाए, तो इसके लिए आप प्रोटेक्ट सीट पे जाइए और यहाँ पे सीट का पासवर्ड दे दीजिए। जैसे हमने सीट का पासवर्ड दे दिया 999, ओके कर दिया। और यहाँ पे फिर से हमने 999 दे दिया, ओके कर दिया। अब देखिए इस सीट पे कोई भी चेंजेस कोई भी नहीं कर सकता। जैसे देखिए यहाँ से कह रहा है प्रोटेक्टेड है। अगर आप इसके फॉर्मेट को भी चेंज करना चाहें, सपोज करिए इसके कलर को चेंज करना चाहें, देखिए कोई भी ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, यानी आपकी सीट बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो गई है। फिर से आप इसको अनप्रोटेक्ट करना चाहते हैं, पासवर्ड हटाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करके, मैंने पासवर्ड दिया था 999 और यहाँ पर 999 कर दिया और ओके कर दिया। देखिए ये सीट अब फिर से अनप्रोटेक्टेड हो गई। अब आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं, जहाँ पे भी आप कलर चेंज करना चाहते हैं, आप उसको सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यह मैंने इसको अप्लाई कर दिया, थोड़ा सा साइज भी बढ़ा दिया, इस तरीके से हमने इसको ये कर दिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोटेक्ट वर्कबुक। आप अपने वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर अगर आप लेते हैं और स्ट्रक्चर का मैंने पासवर्ड दे दिया 888 और फिर से हमने री एंटर कर दिया 888। अब देखिए अभी सीट है, तीन सीट है। आप चाहते हैं कि मैं चौथा सीट इंसर्ट करूं, तो आप यहां पर क्लिक करेंगे या इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो सीट नहीं चेंज होगा। आप चाहते हैं कि सीट का हम कहीं से मूव कर दें, रीनेम कर दें या डिलीट कर दें, तब भी आप नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये आपकी सीट, आपको जो वर्कबुक है बिल्कुल प्रोटेक्ट हो गया है। फिर से इसको हटाना है तो आप यहाँ से, मैंने क्या पासवर्ड दिया था 888 और ओके कर देंगे, तो देखिए ये पासवर्ड। अब आप जो भी, आप एक नई सीट इंसर्ट करना चाहते हैं, इस सीट को उठा के आप यहाँ पर रखना भी चाहते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट, इसी में एक ऑप्शन और था विंडोज़। देखिए विंडोज़, और मैंने इसका पासवर्ड दिया 777, ओके 777 पासवर्ड दे दिया, ओके कर दिया। अब देखिए आप यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, आप इस विंडो को छोटा बड़ा नहीं कर सकते हैं। पूरे विंडो को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन आप इसके विंडो को ये छोटा बड़ा नहीं कर सकते हैं। आप इसको अनप्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो 777 मैंने पासवर्ड दिया था, ओके। देखिए यहाँ पर भी एक ऑप्शन आ गए हैं, अभी आपका छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आप इसके स्ट्रक्चर विंडोज़ को प्रोटेक्ट कर देंगे तो आप वहाँ से नहीं मिनिमाइज कर सकते हैं, नहीं मैक्सिमाइज कर सकते हैं। शेयर वर्कबुक, आप चाहते हैं कि हमारे इस वर्कबुक पे एक से ज़्यादा लोग काम करें, तो आप यहाँ से शेयर वर्कबुक कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं, ठीक है, ओके। ये आपका शेयर हो गया। अब आप इसको चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो आप यहाँ से जाइए, इस अलाउ को हटा दीजिए। अब देखिए यस कर दीजिए, ये आपका ख़त्म हो गया। अब आप चाहते हैं कि कोई भी हमारे प्रोटेक्ट कर दें, कि कोई भी शेयर ना कर पाए, ओके कर दीजिए। उसका पासवर्ड आप क्या रखना चाहते हैं, मान लीजिए मैं 999 किया, ओके कर दिया। फिर से री एंटर करने के लिए किया, ओके कर दिया। अब देखिए अभी आपका साइट ओके करने के लिए कर रहा है, अभी आपका सो गया। फिर आप चाहते हैं कि नहीं अनप्रोटेक्ट कर दें, तो मैंने 999 दिया था, ओके कर दिया। ये साइट हमारी क्या हो गई, ये हमारा वर्कबुक अनप्रोटेक्टेड हो गया। इस रिव्यू टैब में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंज। देखिए थोड़ा ध्यान समझिएगा, अलाउ यूजर टू एडिट रेंज। सपोज करिए आपने पूरी सीट को प्रोटेक्ट कर दिया और आप चाहते हैं किसी फील्ड को या किसी कॉलम को या कई सारे कॉलम को या कई सारे रो को आप किसी को एडिट करवाना चाहते हैं, जो जिनको पासवर्ड मालूम हो वह एडिट कर सके, तो और किसी भी फील्ड में एडिट नहीं कर सकेंगे, जो भी अलाउ करना चाहते हैं किसी निश्चित सेल या रेंज में, और वो वही लोग कर सके जिनको पासवर्ड मालूम हो इस फील्ड का। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अलाउ यूजर्स टू एडिट न्यू, हमने नाम टाइटल दे दिया रेंज वन ही। अब हम चाहते हैं कि पूरी सीट का कोई भी फील्ड कोई भी व्यक्ति चेंज न कर पाए, लेकिन एम्प्लॉय नेम का जो कॉलम है वो जिनको पासवर्ड मैं बताऊं उनको मालूम हो वो चेंज कर पाए, तो इसके लिए आप यहाँ पर रेफर्स टू सेल में आप पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे और रेंज पासवर्ड में आप यहाँ से ये 369 ओके और यहाँ से 369 ओके, आप यहाँ से ओके कर दीजिए। प्रोटेक्ट सीट में आप यहाँ से दीजिए 4 टाइम 7 दे दिया,
और यहाँ से 4×7 दे दिया, ओके कर दिया। अब देखिए फील्ड में सीट में कहीं पे भी आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप जब इस एम्प्लॉय के कॉलम पे आएंगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा कि आप यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो इस फील्ड का पासवर्ड दीजिए। तो इस फील्ड का हमने पासवर्ड 4×7 दिया था, तो हमने यहाँ पे 4×7 दे दिया और ओके कर दिया। देखिए ओके ये तो नहीं ले रहा है, फिर से करते हैं, कोई गलत हो गया लगता है। ये 1, 2, 3, 4 ओह सेट, वो क्या था भाई, यहाँ पे पासवर्ड मैंने क्या दिया था, 369 ओ क्या हो गया, मैंने क्या पासवर्ड दिया था, 369 हाँ ठीक है 369 दिया था। अब यहाँ से नाम जो भी चेंज करना चाहते हैं, सपोज कि हमने रमेश लिख दिया, ये देखिए हमारा ये नाम चेंज हो गया। लेकिन आप इस फील्ड में अगर आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं अपने भर कभी नहीं चेंज कर पाएंगे। चेंज करना है तो आपको उसको अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अनप्रोटेक्ट के लिए पासवर्ड हमने 4×7 दिया था और यहाँ पे हमने 4×7 दे दिया। अब देखिए सीट प्रोटेक्टेड हो गया, अनप्रोटेक्टेड हो गया। अब आप कहीं पे भी कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। ट्रैक चेंजेस, यदि आप ट्रैक चेंजेस कर लेते हैं तो फील्ड में कहीं पे भी कोई चेंज होगा तो ट्रैक करेगा। यहाँ पे क्लिक करिए, हाईलाइट कर दीजिए, ट्रैक चेंजेस एडिटिंग ओके कर दीजिए, ओके यहाँ पे सेव हो गया। अब आप सपोज करिए रमेश का नाम चेंज के अमित सिंह करना है तो अमित सिंह कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आपको बता रहा है कि इस सेल का नाम जो है रमेश से आप देख सकते हैं रमेश टू अमित सिंह कर दिया गया है। यदि आपको ये चेंजेज एक्सेप्ट है तो आप यहाँ पे एक्सेप्ट करिए, ओके करिए, यहाँ से हो एवरीवन वेयर ओके एक्सेप्ट ऑल, देखिए आपका एक्सेप्ट हो गया है। अब आपको मैसेज, अब आप चाहते हैं मैसेज न शो करे तो आप यहाँ से जाइए एक्सेप्ट हाईलाइट में और यहाँ से हाईलाइट चेंजेज ऑन स्क्रीन को हटा के ओके कर दीजिए। अब आप देखिए सब सारी चीज़ें ये हो गया, ये कमेंट आपका शो कर रहा है लेकिन जो चेंजेस था वो ख़त्म हो गया। अब आप चाहते हैं हाईलाइट तो हाईलाइट पे चेंजेस पे ख़त्म करके आप यहाँ पे ट्रैक चेंजेस को बंद कर सकते हैं ताकि वो न शो करे, यस कर दीजिए, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये हमारा रहा चेंजेस ग्रुप। अब आप एक फाइल बनाना चाहते हैं और फाइल में आप चाहते हैं कि हम ऐसा पासवर्ड दे दें कि फाइल ओपन बिना पासवर्ड दिए ओपन न हो, तो इसके लिए मैं एक एक्सेल की बुक खोल लिया हूँ। सपोज करिए मैंने एक फाइल खोल लिया संडे, इसमें लिख दिया कुछ बना लिया। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव एज, और यहाँ पे फाइल का नाम हमने दे दिया आइडियल के नाम से, और टूल्स पे गए, यहाँ पे जनरल ऑप्शंस, हमें पासवर्ड देना है ओपन के लिए, हमने पासवर्ड ओपन के लिए 369 दिया और यहाँ पे भी 369 दिया और ओके कर दिया और हमने सेव कर दिया। तो आप देखेंगे अभी हमने फाइल को क्लोज कर दिया, फिर से हम उस फाइल को अगर हम आइडियल को खोलें तो आइडियल ओपन होने के पहले पासवर्ड मांगेगा, तो हमने पासवर्ड 369 दिया तब जाके वो फाइल खुलेगी। फ्रेंड्स तो ये हमारा था रिव्यू, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करेगा, दोस्तों के बीच में शेयर करेगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।